उषा की किरण जगाने वाले हम, गंगा की किरण जगाने वाले हम, शौच से पीड़ित दाहक जन का भाग्य बनाने वाले हम, शोषित पीड़ित दाहक जन का भाग्य बनाने वाले। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत समय समय पर जो प्रश्न खड़े होते हैं या जो घटनाक्रम चलते रहते हैं उसको लेकर ग्राहक संवाद का आयोजन करती रहती है। और मुझे खुशी है कि आज जो हमारे मंसूर खड़ी है उसने भी पहल करके और अभी इस समय जो विषय समाज में चल रहा है और लोगों के मन में काफी उथल पुथल ऐसी है कि नई परिस्थिति में अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो उस विषय को लेकर इस ग्राहक समाज का आयोजन किया। इसलिए ग्राहक पंचायत की जो मंसूर इकाई है, तो सबसे पहले तो मैं इस इकाई को बधाई देता हूँ कि उसने पहल करके ये काम किया। इस अवसर पर हमें एक किसी विशेषज्ञ की जरूरत थी। मैं इसलिए बात करने आया हूं कि ये जो ग्राहक पंचायत है ये समस्याओं की चर्चा की जगह नहीं है, ये समस्या के समाधान की जगह है। ग्राहकों की समस्या है ये बात सही है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है ये बात भी सही है, लेकिन जैसे ही ध्यान दिलाते हैं तो उनको सैकड़ों समस्याएं ध्यान आने लग जाती है, वो तो बहुत ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो समाधान क्या होगा, तो चर्चा सब करते हैं और चर्चा एक से बढ़कर एक करते हैं, लेकिन समाधान के बारे में एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि ग्राहक पंचायत ये समस्याओं के समाधान की जगह है और इसलिए ग्राहक पंचायत की इकाई बनेगी, इसका मतलब कि ग्राहकों की समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। अभी नोटबंदी के कारण नई समस्या आ गई, और मैं कह रहा हूं कि समस्या का समाधान की जगह है, इसलिए समस्या का समाधान प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो ध्यान में आया कि समस्या का जो समाधान होगा वो राजनीति पैसे के पास होगा, नई समस्या के लेकिन हाँ ग्राहक पंचायत इतना जरूर बोलेंगे कि हाँ आप ऐसा करिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है राजनीति पैसों के पास जाइए, समस्या का समाधान आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन उचित जगह बताना ये भी ग्राहक पंचायत का ही काम है। हो सकता है कि हम हर चीज के जानकार नहीं होंगे, होता है स्वाभाविक है, एक व्यक्ति कोई सब चीज का जानकार तो हो नहीं सकता, लेकिन ग्राहक पंचायत वो समूह है कि जो समस्या का समाधान कर सके ऐसे लोगों को जोड़ना और कहीं कोई बात आने पर उसके समाधान के लिए प्रयास करना, इस टाइप से अपन काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कई बार नए लोगों को समझाना बड़ा कठिन पड़ता है। मैंने पिछली बार भी यहां पर साल भर पहले बात रखी थी, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि एक मैंने आपको किस्सा सुनाया कि नहीं। वो घटना मेरे साथ ऐसी हुई कि हर व्यक्ति जो पहली बार मिलते हैं जिससे अपन बोलते हैं ग्राहक पंचायत का काम करता हूँ, तो पहला सवाल ये पूछते हैं ये नहीं क्या करते हैं, तो ये नहीं क्या करते हैं बताना बड़ा मुश्किल पड़ता है। एक दिन मैं पूना में गया बैठक के लिए, तो एक दिन पहले पहुंच गया तो मेरे भाई क्या पहुंच गया, तो चार बार पीने के बाद जरा
बात हुई, हमें कोई धरने तो रहता नहीं हूं, तो घरेलू बात कितनी होगी तो दो लाइन में हो गई। अब उसके बाद फिर मेरी खाली और सब खाली पड़े, तो वाले ने अगला सवाल पूछा कि अच्छा तो तुम ग्राहक के अंदर काम करते हो मतलब क्या करते हो? तो मैंने कहा ग्राहक है तो बस ऑप्शन करते हैं। हाँ यानी क्या करते हैं? अब बड़ा मेरा कठिन है। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि आप किराने का सामान कहीं से लेते हैं क्या? हाँ बोले कोई दुकान है आपकी? बोले हाँ है। मैंने कहा एक ही दुकान सामान लेते हैं? बोले हाँ एक ही दुकान सामान लेते हैं। फिर मैंने पूछा कि आपकी कोई दुकान है कि कोई ये हमारे किराने की दुकान है ऐसी कोई है क्या? हाँ है ना। तो मैंने अगली बात कही मेरी ओर से कि आप इतने जोर से बोल रहे हैं कि ये मेरी किराने की दुकान है, लेकिन मैं अगर उसको पूछूंगा कि ये आपका ग्राहक है क्या, तो मैं ऐसा विश्वास कर सकता हूं कि वो आपको अपना ग्राहक नहीं मान रहा है, तो सिरे से नकार दिया मुझे। मेरे भाभी ने सिरे से नकार दिया कि ऐसा हो ही सकता है, तो 12 साल से वहां से सामान ले रहे हैं हम एक जगह से, वो हम उसके ग्राहक कैसे नहीं हुए? वो तो आते ही नाम लेना चालू करता है। आइए भाभी जी, और भैया की रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, वो पत्रकार है, तो बोले उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी पेपर में, उसने किया था ये किया था, हमारी तो बात होती है, बोले वो हमको क्या नहीं मानता है। अरे उनके इसका मतलब ये है, मेरा कहना ये है कि अपन ये पूछो चार जगह कि चावल के भाव क्या है, और ये पता करो कि तुमको जो चावल जिस भाव में यहां से मिला है वो उसी भाव में मिला है कि जो मार्केट में भाव है, तो उसको पहले समझ में नहीं आएगा। मैं तो बात करके बैठक में चला गया, बैठक से जब लौट के आया तो संयोग हुआ कि दरवाजे भाभी ने खोला, और उसने एकदम ये कहा कि दरवाजे खोलते ही इतने उत्तेजित थे वो, उसने कहा कि भैया तुम सही कह रहे थे करके। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा तो चाय वाय पिलाओ, फिर क्या है हम तो बाहर खड़े खड़े बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बैठो बैठो बैठो। और उसको इतनी जल्दी थी पानी का भी नहीं पूछे मेरे से, और वो कहे कि तुम्हारी बात सही निकली, मैंने तीन दुकानों पर पूछा तो चावल के रेट में उस बाकी रेट कम बता रहे थे और इनके रेट ज्यादा थे। फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने बोला कि भाई मेरे को ये ज्यादा भाव में क्यों दिया तुमने? बोले ये पुराना वाला था, नया रेट आ गया है, अब जो नया वाला था उसने इनको और कम बताया उनसे भी, कि बोले नहीं ये नया रेट है और नया चावल है, आप नया ले जाओगे तो आपको इससे भी कम में दूंगा मैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बोले मुझे वो ध्यान में आ गया, मैंने कहा कि भाई आप क्यों बंधे हुए हैं, ग्राहक क्यों बंधा हुआ है? जब तक ग्राहक बंधा रहेगा तब तक उसका शोषण होता रहेगा। या तो कोई कंपनी आ जाए, एक रिलायंस आ जाए अपना और बोले हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो निर्णय लिए, निश्चित रूप से पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा, पूरा आर्थिक परिदृश्य चेंज हो गया और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, कैसे भारत इन चुनौतियों का सामना करेगा, कैसे इन चुनौतियों से उभर कर आएगा, कैसे एक आर्थिक विकसित देश बनकर उभर कर विश्व में स्थापित होगा, इस पर सभी की नजर है। इस महायज्ञ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मंच पर विराजमान अति विशिष्ट अतिथिगण, विराजमान अतिथिगण, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। पहली बार यहाँ आया हूँ, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैलेंडर बदल गया, साल बदल गया, 500 और 1000 के नोट बदल गए, कैश बदल के कैशलेस हो गया, अमेरिका बदल गया, बहुत कुछ बदल गया।
जो लोग भविष्य में देखते हैं वो युवा होते हैं, आयु से युवा नहीं होते हैं, जो भविष्य की ओर देखते हैं वो युवा होते हैं, और जो भविष्य की ओर देखते हैं वो बदलना जानते हैं, बदलना चाहते हैं, और वो कभी कभी खुद ही बदलाव लेके आते हैं। तो कुछ लोग अतीत की ओर देखते हैं, जो अतीत की ओर देखते हैं उन्हें मैं बूढ़े लोग कहता हूं, वो बूढ़े हो चुके हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उम्र से कोई न युवा है न बूढ़ा है, वो अपने विचारों से अपनी भावनाओं से कैशलेस सिस्टम की अगर हम बात करें, इसको बताने के लिए मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक ऐसा मान लें कि एक छोटा सा देश है जहां सिर्फ 10 आदमी रहते हैं पूरे देश में, तो मान लें कि एक ही बैंक है उस देश में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम, तो 10 ही लोग रहते हैं, उसमें से एक मजदूर है, एक इंडस्ट्रियस्ट है, एक सीमेंट का सप्लायर है, जो भी हम कल्पना कर रहे हैं, और ये मान लें कि वो कैशलेस सोसाइटी है। अब क्या है कि वो जो बिजनेसमैन है वो बैंक के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए, वो बैंक के पास सिर्फ 1,00,000 रुपए है, और वो बिजनेसमैन को 50,000 रुपए का लोन दे देता है, लेकिन लोन फिजिकल नहीं देता है, पैसे बैंक में ही पड़े हैं, बस उसने बोल दिया आपको दे दिया 50,000, आपको फिजिकली नहीं मिले, पहले भी पैसा 1,00,000 बैंक में पड़ा था, आज भी बैंक में पड़ा, लेकिन आपको लोन मिल गया। अब आपने सीमेंट वाले को पैसे दे दिए, 30,000 रुपए दे दिए, उसका भी बैंक में खाता है, उसको 30,000 मिल गए आपसे, बैंक के पास अभी भी 1,00,000 रुपए पड़े हैं, उसको भी पैसे मिल गए, उन्होंने वो दूध वाले को दे दिए, उसने सब्जी वाले को दे दिया, लेकिन फिर भी बैंक में 1,00,000 ही पड़ा है, तो किसी के पास वो पैसा गया नहीं, आया नहीं, जिसको मिलना था उसको मिल गया। यही कैशलेस सिस्टम है सर। अब इसके फायदे क्या है इस सिस्टम के? वो 1,00,000 रुपए जो बैंक में पड़ा है बाजार में वो 10,00,000 रुपए के बराबर है, वो घूम रहा है, सीमेंट वाले को दे दिया, बालू वाले ने उसको दे दिया, उसने दूध वाले को दे दिया, दूध वाले उसने दे दिया, लेकिन बैंक में 1,00,000 ही पड़ा है, लेकिन बाजार में ट्रांजेक्शन 10,00,000 का हो रहा है, 15,00,000 का भी हो सकता है, क्योंकि ये कैशलेस सिस्टम है। लेकिन अगर उसकी तुलना में अगर ऐसा समझ ले फिजिकल कैश दिया जाता, 50,000 का लोन आपको दे दिया जाता और आप अपनी तिजोरी में पैसा रख लेते तो सारा फ्लो रुक जाता है। उसके बाद में दूसरा कस्टमर जाता है बैंक के पास में कि मुझे लोन दे दो, तो बैंक बोलती है मेरे पास तो पैसा नहीं है। लेकिन कैशलेस सिस्टम में बैंक ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर 100% कैशलेस है तो देश की क्षमता कितनी बढ़ जाती है आप सोचिए, कम रुपये से ज्यादा क्षमता हो जाती है, कम पैसे से ज्यादा बिजनेस होने लगता है, कम पैसे से ज्यादा सर्कुलेशन होने लग जाता है। तो हम उस कैशलेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और जो आइडियल कैशलेस है वहां चेक भी नहीं होंगे। चेक तो 150 साल पुराना सिस्टम है, 100 साल पुराना सिस्टम है, जब लोग चेक लिखा देते थे मैं आपको चेक देता हूं, फिर आप चेक लेके बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके डालते हैं, पूरी बात क्रेडिट होता है, फिर आप पता लगाते हैं। इन दिस मॉडर्न एज किसी के पास इतना समय नहीं है कि मैं चेक लूं, जाके बैंक में जमा करूं, पता लगाऊं, ये सब पुराना हो चुका है, हमको उससे भी आगे निकलना है। तो उसके बाद में फिर क्या बचा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, तुरंत स्वाइप किया, आपको पेमेंट मिल गया, आपके बैंक में पैसा आ गया इंस्टेंट। लेकिन अब हमको उससे भी और आगे जाना है, अब जो भी हमको पैसों का लेन देन करना है वो मोबाइल फोन के जरिए करके, मैं आपने मोबाइल से
आपके मोबाइल में मैंने पेमेंट कर दिया, बस मिनटों में हो गया। आपने मुझे फोन किया भाई पैसे दे दो, मैंने कहा ठीक है मैं दे रहा हूँ। फोन पे बात करते करते आपको पेमेंट कर सकता हूँ, फोन में बात करते करते आपको पता मिल गया पैसे मिल गए आपको। आपने कहा थैंक यू वेरी मच। तो स्पीड कितनी बढ़ जाती है हमारी ट्रांजेक्शन की, हमारी मूवमेंट कितनी बढ़ जाती है, जो हमारा समय कैश गिनने में रखने में उसको बैंक में डालने में बैंक से निकालने में उसको हिसाब लिखने में जाता था वो सब खत्म हो जाता है कैशलेस सिस्टम में। कैशलेस सिस्टम में ट्रांजेक्शन की ट्रेल है, आपने किसको दिया किसने किसको दिया पैसा कहा किस रास्ते से कहां 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 पहुंच रहा है, ये कैशलेस सिस्टम में ट्रेल है। अगर इनकम टैक्स को खोजना है कि मुझे पैसा कहां से मिला था तो पता लग जाता है, मैंने किसको दिया पता लग जाता है, सारी ट्रेल है जो कि कैश सिस्टम में नहीं है। कैश सिस्टम में कोई भी ट्रेल नहीं है, आपको वाउचर बनाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, देने वाले की साइन करवानी पड़ती है, देने वाला साइन करता है, लेने वाला साइन करता है वगैरह वगैरह। कैशलेस में सब कुछ भी नहीं है, ना वाउचर होंगे, इट विल बी अ पेपरलेस सिस्टम, इट विल बी इंस्टेंट। तो हमको अगर तरक्की करनी है तो हमको सारे नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। कैशलेस सिस्टम दूसरे देशों ने अपना लिया, स्वीडन ने अपनाया, सिंगापुर में मैं रहता हूँ सिंगापुर में कैशलेस सिस्टम है, अमेरिका में है, कनाडा में है, बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज में है। एक तो क्राइम कम हो जाता है कैशलेस से, चोरी डकैती कम हो जाती है, करप्शन कम हो जाता है। अब घूस का पैसा देना है तो लेने वाला तो सरपोज करेगा ना कैशलेस सिस्टम में, कैसे लेगा ट्रेल है पता लग जाए, कभी भी पता लग सकता है, 10 साल बाद भी पता लगेगा कि आपने इतनी तारीख को इतने बजे इस बैंक से इस बैंक में पैसा लिया था, ट्रेल तो है वो तो नहीं मिट सकता। कैश दे करके मैं सारे सबूत मिटा सकता हूँ, कैशलेस में कोई भी सबूत नहीं मिटेगा। इवन आप कहां पे खड़े होके दिए थे वो भी पता लग जाएगा, मोबाइल आप जो मोबाइल जो देने वाला का मोबाइल कहां पे था और लेने वाले का मोबाइल कहां पे था वहां पे पता लग जाएगा कैशलेस में। अगर आप बोले उसने कि मैंने इसको पेमेंट किया उस दिन मैं इंदौर में था तो पुलिस बोलेगी नहीं 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 आप उस दिन मंदसौर में थे क्योंकि आपका आईपी एड्रेस मंदसौर का बता रहा है। तो कैशलेस सिस्टम में झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रहे, ये आइडियल सिस्टम है। बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी, आप और आस्पेक्ट पे फोकस करने लग जाएंगे बिजनेस में, जो आपके जीवन के जो कोर आस्पेक्ट हैं, जो बिजनेस के कोर आस्पेक्ट हैं, आप उन पे ध्यान देंगे। आप कैश हैंडल करने में, गिनने में, उसको तिजोरी में रखने में, उसकी हिफाजत करने में, लॉकर खरीदने में वगैरह वगैरह पे नहीं ध्यान, वो असली है कि नकली है, उसको वेरीफाई करने में, इवन रोकड़ भी मिलाना पड़ेगा आपको। आप पॉस सिस्टम लगा रखे हैं अपने दुकान पर और कैशलेस है तो आपको रोकड़ भी नहीं मिलानी है, इवन स्टॉक भी नहीं मिलाना है क्योंकि तो मशीन जो है आपको स्टॉक दिखा रही है, किस चीज का कितना पीस पड़ा हुआ है वो भी दिखाता है आपको, कितना कितने की बिक्री हुई वो भी दिखाता है। तो आइडियल कैश सिस्टम में 8 बजे तक कस्टमर आपके पास था, अब 8:05 में दुकान बढ़ा करके घर जा सकता है, नहीं तो क्या होता है कि व्यापारी कम से कम आधा से 1 घंटा दुकान पे बैठता है, वो सारा हिसाब किताब मिलाता है, रोकड़ मिलाता फिर घर जाता है। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव। आज अगर वेस्टर्न कंट्रीज हमसे आगे हैं तो वो इसलिए आगे नहीं है कि वो ज्यादा मेहनती हैं, वो इसलिए आगे नहीं है कि वो हमसे ज्यादा होशियार हैं, वो इसलिए आगे नहीं है कि उनके पास ज्यादा साधन है, वो इसलिए आगे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं और उनके जो लोग हैं वो सटूर में युवा है चाहे वो 90 बरस का है, वो हर नई चीज को स्वीकार करना चाहता है। हमारे यहां
एक बदलाव के लिए एक रेजिस्टेंस है, एक हम उसको स्वीकार बहुत आसानी से नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस बार 2016 का भारत कुछ अलग ही था। मैंने कभी भी ऐसा भारत नहीं देखा कि जहां एक भी दंगा फसाद हुआ हो, कोई अप्रिय घटना हुई हो, इस डिमोनेटाइजेशन को लेकर के कैशलेस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिकल विरोध हुआ तो होना ही था, अखबारों ने विरुद्ध में लिखा होना ही था, टेलीविजन ने विरुद्ध में कहा होना ही था। टेलीविजन का वही काम है, अखबारों का वही काम है, ऑपोजिशन का वही काम है, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन जनता ने अपना काम किया। मैं चार दिन पहले का सर्वे पढ़ रहा था, 66% सपोर्टेड डिमोनेटाइजेशन, इवन नाउ आज के दिन भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओनली 26% पीपल आर ओपोजिंग इट, और बाकी के लोग बहुत ओपिनियन नहीं है। इट्स अ वेरी गुड साइन। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इसको लेकर के। अब हमको एक आशा बची है कि इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। जहां पे इतने लोग हैं, 66% लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, जबकि आपको रोज अखबार में बताया जा रहा है खराब है खराब है खराब है, उसके बाद भी 86% लोग रोज टीवी वाला बोल रहा है ये घर खराब है खराब है खराब, आपको दिक्कत हो रही है पैसा बनने में, दिक्कत हो रही है ना, हो रही है ना, वो बोल रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये जो भारत देखने को मिला है, मैं साल में एक बार दो बार इंडिया आता हूँ, सिंगापुर से बहुत सालों से वहां रहता हूँ, ये पहली बार देखने को मिला है। तो दो चीज देखने को मिली है मुझे अब भारत जब आता हूँ, एक भारत अब साफ सुथरा लगने लगा है। बहुत खुशी होती है देख करके कि मेरा भारत भी साफ सुथरा हो गया है। और मेरे भारत के लोग 66% इतने पॉजिटिव है। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ के लोग गरीब है, यहाँ के लोग साक्षर नहीं है, यहाँ के लोग तमाम तरह की बात। अरे फिर भी 66% लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? वो अनपढ़ है तो फिर पढ़ लिखे कौन है? ये जो नया परिचय दिया है इस देश ने, यही इस देश की ताकत है। ये जो एटीट्यूड है कि भाई हमको बदलना है, हमको सुधारना है, हमको गरीबी से बाहर निकलना है, हमको स्किल सारे एक्वायर करने हैं, जो 50 प्लस के लोग हैं मुझे लगता है वो धीरे धीरे बदलते हैं, और जो छोटे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो हम लोगों को ऐसा है कि बदलाव जल्दी जल्दी चाहिए देश में, प्रगति जल्दी जल्दी चाहिए, तो सबको जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। डिमोनेटाइजेशन तो पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ, पहले भी ऐसे विरोध हुआ, पहले भी 1000 के नोट 700 में बिके, अभी भी वही हुआ। आपके पास में 1000 का नोट जो काला नोट था उसको आपने बदल के 800 कर लिया, वो फिर भी काला रह गया, फिर भी उसके ऊपर में 80% की तलवार अभी भी रह गई। तो इसमें कौन सी समझदारी है कि आपने काले को काला रख लिया और 80% का टेंशन अभी भी पाल के रख लिया, 26,000 का सोना 50,000 में खरीद लिया, तो कौन सी समझदारी है? और काला का काला रह गया। जब आप व्हाइट इकोनॉमी में मूव करते हैं, मेन इकोनॉमी में मूव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके बिजनेस करने का तरीका बदल जाता है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है। आप एज ए बिजनेसमैन जब बैंक में जाते हैं तो लोन मांगते नहीं, लोन देने का अधिकार बन जाता है। लेकिन जब हम काला सफेद करेंगे तो हम कहीं कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, अंदर से हमारी ताकत घट जाती है। लेकिन जब पूरा सफेद सफेद करेंगे ना तो
तो ताकत बढ़ जाती है, बैंक में हम जाकर के अपना अधिकार ले सकते हैं कि कोई मुझे लोन दो, मैं ज्यादा दिन नहीं रख सकता हूँ। आप अपने एम्प्लॉय से भी अच्छा काम दे सकते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय जानता है कि नहीं मेरा मालिक सब सही करता है। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से डरते हैं, अपने घर वालों से डरते हैं, सरकार से डरते हैं, इंकम टैक्स से डरते हैं, एक्साइज से डरते हैं, सीएसएस से डरते हैं, प्रशासन से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, डर डर के आप जिंदगी जीते हैं। और किसके बाद जीते हैं वो थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए, और वो जो डर डर के आप जीते हैं ना उससे आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। जो आप टर्नओवर को 20 करोड़ कर सकते थे वो टर्नओवर आपका 5 ही करोड़ हुआ, क्योंकि आप डर डर के जी रहे थे। आप मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में हम तभी आ सकते हैं जब नकली नोट नहीं हो, क्योंकि मैं अगर ईमानदार व्यापारी हूं और मेरे आसपास में ईमानदार नहीं है, अनफेयर कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए बिजनेस करना। वो नकली नोट रखता मैं असली नोट रखता हूँ, तो पहले तो हमको डिमोनेटाइजेशन करना था ना, ये नकली नोट को सिस्टम से हटाए, पहले 2 रुपया की चीज 2.5 रुपये में बिक रही थी तो वो खत्म करें, इन्फ्लेशन घट गया क्योंकि नकली नोट मोर मनी वॉज चेजिंग फ्यू गुड्स। भाई एक मकान को खरीदने के लिए 4 ग्राहक खड़े थे 25 लाख में, 50 लाख में, 75 लाख में, 15 में, इससे प्रॉपर्टी के दाम भी ज्यादा थे। अब वो नकली नोट हट गए तो 2 ग्राहक तो वैसे हट गए, अब तो 2 ही बचे। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है इसका फायदा खाली हमको नहीं मिलेगा, आने वाली सारी जनरेशन को मिलेगा। ये जो कैशलेस सिस्टम की बात कर रहे हैं इसका फायदा अभी होंगे, थोड़े दिनों बाद होगा और हरदम के लिए होंगे। तो जो दिक्कत हुई 50 दिन की दिक्कत हुई तो एक ही बार हुई, जो खर्च लगा इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में एक ही बार लगा, और इस सिस्टम का जो क्या फायदा होना चाहिए था 50 दिन के बाद में, कल जिन लोगों ने टेलीविजन देखा है उन्होंने सुना है। अब गांव में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे होम इंप्रूवमेंट लोन, घर को आप अपने घर को बना सकते हैं, 3% का ब्याज पे आपको पैसा मिलेगा। पहले तो पैसा ही नहीं मिलता था, अब पैसा मिलेगा वो मिलेगा भी कम ब्याज पे मिलेगा, ये पहले पैसा था ही तो देते कहां से। अब डिमोनेटाइजेशन से ऐसा हुआ है कि पैसा आ गया हमारे पास, रहने की जगह नहीं है सरकार के पास, पैसा सारा करोड़ों की तिजोरियों में जो पैसा था वो सारा का सारा बैंक में आ गया। अब 9 लाख तक का जो लोन लेंगे उस पर 4% की इंटरेस्ट कम लगेगा, 4% 30 साल का अगर आप होम लोन लेते हैं, जो लोग होम लोन ले रखे हैं उनको पता है इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, मतलब इंस्टॉलमेंट ड्रास्टिकली घट जाएगा आपका, 12 लाख तक के लोन पे 3% घट जा रहा है। वर्किंग कैपिटल लोन जो आप ले रहे थे उसपे क्रेडिट इंश्योरेंस जो है 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया, 1 करोड़ तक का लोन बिजनेसमैन को मिल जाता था, बैंक वाला इसलिए दे देता था बिना कोलैटरल के कि भाई हमारा लोन तो सिक्योर्ड है, क्योंकि अगर व्यापारी नहीं देगा तो सरकार देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी वो पैसा, तो वो 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया गया। वर्किंग कैपिटल जो है आपकी 10 लाख रुपए की बिक्री थी साल भर की, तो 20% मतलब 2 लाख रुपए का लोन ले सकते थे बैंक से, उसको बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया, 2.5 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं 2 लाख की जगह, और आप अगर कैशलेस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो 3 लाख तक लोन ले सकते हैं। तो एक तरफ आपको और दूसरी तरफ आप 3 लाख लोन ले सकते हैं, और आपका जो नेट प्रॉफिट है पहले वो 8% हम मानते थे कि आपको फायदा, अब बोल रहे हैं सिर्फ 6% ही मानेंगे, तो आपको डबल फायदा हो गया, तो लोन ज्यादा मिल रहा है, इनकम टैक्स कम कर रहा है, ये सारे फायदे कैसे हो रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता
तो मोदी जी इतना लाभ थोड़ी ना दे पाते। कल टेलीविजन पे आकर के वो देश को जो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का प्रसाद बांटा है नहीं बांट पाते, उनके पास होगा तभी ना देंगे। तो उनको 50 दिनों में मिला है, अब वो दे सकते हैं। देश समृद्ध हो गया इन 50 दिनों में। हम लोगों की जो कठिनाइयां थी वो रंग ला गई, देश के पास में संसाधन आ गए। अब किसानों को लोन दिया जाएगा, होम लोन दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपया करके देने की बात कर रहे हैं। पहले 53 जिलों में 4,000 रुपया करके दिया जाता था गर्भवती महिलाओं को, अब 650 जिलों में 6,000 करके दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो नया भारत होगा, जो नए बच्चे पैदा होंगे वो स्वस्थ होंगे। आप समझते हैं कि घर से 6,000 का बिल्कुल खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। क्यों? कि अगर वो बच्चा बीमार पैदा होता है उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6,00,000 खर्च करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। आप सिर्फ 6,000 दे रहे हैं, वो 6,000 दे करके मां भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, वो भविष्य का 6,00,000 बचा रहे हैं आप। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। स्वच्छ भारत की जो हम बात करते हैं, आप 100 रुपये सफाई पे खर्च कर लीजिए, ये 500 रुपये डॉक्टर को दे दीजिएगा, मर्जी आपकी। आप यहाँ कोलेरा हुआ है या होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी, हाँ तो डॉक्टर को दीजिएगा, दवाइयों पे दीजिएगा, आपकी मर्जी है, आप सफाई में रखिए। तो अगर आप सफाई रहते हैं, कितना बड़ा मेडिकल कॉस्ट सरकार का बचता है और आपका बचता है, ये तो हुआ आपकी डायरेक्ट बेनिफिट। तो दूसरी बात, आप जब देश को साफ सुथरा रखते हैं तो आपके यहाँ टूरिस्ट आते हैं। आज मेरा कोई दोस्त सिंगापुर में बोलता है कि मैं इस बार छुट्टियों में घूमने जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, तो मैं उसको बोल सकता हूँ मैं इंडिया जाऊँ। अब मैं साहस कर सकता हूँ ना, क्योंकि इंडिया साफ है, मैं बोल सकता हूँ उसको। पहले बोलने का साहस नहीं करता था कि वो वापस आकर के बोल सकता मुझे, अब मैं उसको बोल सकता हूँ। इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा, आपको जान के ताजुब होगा, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आए हैं। एक तरफ आपने 100 रुपया खर्च किया, 500 रुपये डॉक्टर का बचाया, और वो जो फॉरेनर टूरिस्ट आ रहा है वो आपके सिस्टम में 1,000 में और डाल रहा है। तो कुल मिलाकर के 100 रुपया खर्च करने से 500 रुपये तो डॉक्टर का बचा, 1,000 रुपये टूरिस्ट आया, 100 रुपया खर्च करके 1,500 रुपये की कमाई होती है। इससे बढ़िया तो बिजनेस है क्या? आप अपने देश को साफ रखते हैं, बीमारी से बच जाते हैं और आपकी इनकम बढ़ जाती है। ये है स्वच्छ भारत। इसको खाली छोटे दायरे में मत देखिए, खाली सफाई के दृष्टि से। और वैसे साफ सुथरा भारत रहेगा तो आपकी मानसिकता भी साफ होगी, आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग भी उसी तरह की होगी, सब कुछ बदलेगा। सब कुछ तो विचार में ठीक है, सब कुछ तो माइंड सेट है, सब कुछ तो एटीट्यूड है। आपने हार मान ली तो आपकी हार है, आप सोचे कि आप कभी नहीं हार सकते तो आप कभी नहीं हारेंगे। जैसा कि फोर ने कहा, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू कैन नॉट, आई डिड यू आर राइट, दोनों तरफ से आप सही है। आपने जो मान लिया वही सही है। 10 तले की बिल्डिंग है, लिफ्ट खराब है, आप बोलते भी मैं तो नहीं चढ़ रहा हूं, आप नहीं चढ़ रहा हूं, दूसरा बोला हाँ मैं तो चढ़ जाऊंगा, चढ़ जाता हूं, बस जो जो उसने सोचा वो हो जाता है। आप अगर आज मान लेते मेरा भारत महान होगा तो ये भारत महान होगा, फिर कोई रोक नहीं सकता है उसके बाद। लेकिन आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, आपका एटीट्यूड उतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हम किसी भी तरह से वैसे पीछे नहीं है।
पीछे नहीं है, पीछे है तो खाली सोच में पीछे है, माइंडसेट में पीछे है, हमारे एटीट्यूड्स में पीछे है, और बाकी किसी भी चीज में पीछे नहीं है। विदेशों में अगर अच्छे हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर इंडियंस हैं, विदेशों में बड़ी अच्छी कंपनियां हैं तो एम्प्लॉयज इंडियन हैं, विदेशों में अच्छे सलाहकार हैं तो ज्यादातर इंडियन हैं। तो जब वो इंडियन वहां जाकर काम कर सकता है, वहां उस देश को इतनी उन्नति दिला सकता है, तो वही इंडियन यहां भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है, उसका ऐसा विश्वास है अभी तक था कि यहां कुछ नहीं होगा, उसने हार मान ली। हमको इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। हमको इस चेंज में पार्टनर बनना पड़ेगा, जो भी चेंज हो रहा है। विरोध के लिए खाली विरोध करें, कई लोग चेंज का विरोध करते हैं, कई लोग चेंज को स्वीकार करते हैं, और कई लोग चेंज क्रिएट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने चेंज क्रिएट किया है, देश चलता है जो लोग चेंज क्रिएट करते हैं, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग है, कोई भी बड़ा नेता होता है, नेता मतलब चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, वो चीज क्रिएट करते हैं, वो नया तरह से सोचते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं, विवश करते हैं चेंज होने के लिए। लेकिन हम लोग काम है उस चेंज को स्वीकार करें। हम अगर रेजिस्ट करेंगे तो देश की गति, वो बढ़ने की गति घट जाएगी। रुपया को मेंटेन करने का खर्चा है 21,000 करोड़ साल का। अब नोट छापते हैं, नोट में सिल्वर लाइन डालते हैं, फिर उसको आप स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको बैंक की तिजोरी में रखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर गिनते हैं, वगैरह वगैरह। ये पूरे देश का खर्च आता है 21,000 करोड़ रुपया साल का। ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। अगर आप कैशलेस हो जाते हैं तो 21,000 करोड़ रुपया बच जाता है, ये खर्च लगना बंद हो जाता है। ऐप से ऐप में ट्रांसफर 21,000 का फायदा देश को हो जाता है। अगर सारे देशवासी ये डिसाइड कर लें कि आपको नकद ना लेंगे ना देंगे, कल से 21,000 करोड़ की बचत हो जाती है। उसके बाद में आप देखिए, कैशलेस होने से और कितने एडवांटेज हैं। अभी जो कश्मीर की समस्या है काफी घट गई है, नकली नोटों की समस्या कम हो गई है। अगर हम कैश मेंटेन करेंगे तो फिर नकली नोट सिस्टम में आ सकते हैं, लेकिन कैशलेस हो जाएंगे तो नकली नोट आ ही नहीं सकते। नकली नोट आप छाप भी लेंगे कोई काम नहीं आएगा। अगर कैशलेस 100% कैशलेस सिस्टम है तो नकली नोट कोई काम नहीं आएगा, बच्चों के खेलने के काम की चीज रह जाएगी। कैशलेस रहते हैं तो माओवादी की समस्या कम हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या कम हो चुकी है। वो सबसे ज्यादा जो इसका फायदा मिला है कैशलेस का, वो है मजदूर को मिलता है। हम मजदूर को देते हैं 100 रुपया और वाउचर साइन करवाते हैं 200 रुपया का, वो खत्म हो जाता है कैशलेस में। आपको उसके अकाउंट में 200 डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बैंक भी 200 बताएगा और उसका बैंक भी 200 बताएगा, और ये कभी भी पता लग जाएगा। फिर जो डमी वेजेस है आपके नगर निगम में, 300 कर्मचारी सफाई के कर्मचारी हैं और नगर निगम वाले 500 कर्मचारी दिखाते हैं, खर्चा 500 का दिखाते हैं, बंद हो जाएगा। मतलब
करप्शन के रास्ते बंद हो जाएंगे। खाली बोल के डरा के आप करप्शन को नहीं बंद कर सकते, आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे जहां करप्शन करने का ना इंसेंटिव है ना उसके रास्ते हैं। खाली आप तलवार लेके खड़े रहेंगे कि नहीं तुम चोरी मत करो मत करो, वो काम नहीं है। तो क्या से सिस्टम अगर है गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो जो ऊंचे पद पे बैठे अधिकारी हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, वो जो मैनिपुलेशन करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 100% करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। और करप्शन जब भी होता है बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय घूस लेता है, कोई तो उसको देता है ना, आप डिसाइड कर ले आज के हम देंगे नहीं, वैसे भी खत्म हो जाएगा करप्शन। वो सबसे आसान तरीका है लेकिन भारत में वो सबसे कठिन तरीका है। तो कैशलेस होने से करप्शन कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं होती है, करप्शन तब होता है कि जब हम कहीं किसी दफ्तर में जाते हैं वहां किसी आदमी से मिलते हैं तो जब जहां भी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा आदमी मिलेगा तब करप्शन की बात आती है, आदमी नहीं है तो करप्शन के साथ। रेलवे में हम गए टिकट बनाने के लिए और वो बोला टिकट नहीं है, तब मैं उसको बोलता हूँ ना 100 रुपया बेची ले लो, दे दो यार देखो ना वो कोटा ये कोटा मुगल सराय कोटा में दे देना, इस कोटा में कर देना, वैसे कर देना, ऐसे कर देना। लेकिन मुझे अगर अपने मोबाइल फोन पे टिकट बनानी है तो क्वेश्चन पर करप्शन, आप टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं करप्शन का सवाल ही क्या। कल किसी ने कहा कि आप इतना बता रहे हैं इनकम टैक्स पर करप्शन बढ़ ही जाएगा, मैंने कहा कैसे, तो बोला आप जब इनकम टैक्स में जाते हैं ऑफिसर के सामने 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 जब होता है लेन देन की बात हो जाती है, तो बात पूछेंगे जब भी आदमी सामने आएगा तभी लेन देन की बात होगी, मशीन है तो मशीन से क्या लेन देन करेगा। तो उसका भी इलाज है, अमेरिका में जो इनकम टैक्स का रिटर्न है आज से नहीं बहुत सालों से है, रिटर्न एक पीओ नंबर पे जाता है पोस्ट बॉक्स पे जाता है, तो कहां जाता है आपका रिटर्न आपको पता ही नहीं, उसको कौन पढ़ता है आपके रिटर्न को ये भी नहीं पता, और उसका ईमेल पे जवाब आ जाता है, कौन जवाब भेजता है नहीं पता है। जैसे कलकत्ता में जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है ना, मेरा नाम अरुण शर्मा है तो मेरे वो जो आंसर स्क्रिप्ट है उसमें मेरा नाम हटा दिया जाता है, एक नंबर डाल देते हैं क्योंकि जो जो टीचर चेक कर रहा है वो बायस नहीं हो गए जाति के आधार पर या स्थान के आधार पर, ये तो कलकत्ता का है वो ये अरुण शर्मा ये वही मेरा कजिन है इसको ज्यादा नंबर दे दो, तो आपने जब नाम ही लिखा हुआ कॉपी पे तो आप कैसे करेंगे, नाम नहीं तो नंबर है। तो उसी तरह से आपको ये ह्यूमन इंटरफेस हटाना पड़ेगा करप्शन हटाना, एक तो कैशलेस दूसरा टेक्नोलॉजी, अगर ये दो हमने इंप्लीमेंट कर दिया तो करप्शन बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। और तीसरा हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हम खुद डिसाइड कर लेंगे हम तो नहीं देंगे, हम देखकर झेल लेंगे, रेलवे में हम खड़े खड़े सफर कर लेंगे लेकिन हम किसी को पैसा देकर सीट नहीं लेंगे, अगर ये मैंने डिसाइड कर लिया है फिर करप्शन नहीं हो सकता सर। तो मैं करप्शन की बात इसलिए बोल रहा था कि किसी ने आज सुबह मुझे सुबह सुबह कहा था कि आप कितना भी कर लीजिए करप्शन तो रहेगा, इस देश की सबसे बड़ी समस्या करप्शन है, तो वो बात मुझे बार बार अंदर से छू रही थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं हटेगा, आप डिसाइड कर लीजिए कि हट जाएगा तो हट जाएगा, आपकी मर्जी है आप डिसाइड कीजिए, देश के मालिक हैं हम लोग, हमको डिसाइड करना है, हम सरकार पे जोर डाल सकते हैं हर कुछ के लिए, सरकार कुछ चाहती है करप्शन हट जाए और हम भी चाहने लगे तो फिर क्या करप्शन। और दूसरी बात है जो ले रहा है ना वो भी हमारा भाई है, जो दे रहा है वो भी हमारा भाई है, वो कोई विदेश से आए हुए लोग ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, तो करप्शन पे मैं इसलिए बोल रहा मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला देता क्योंकि वो सुबह सुबह वो बात
जहन में बैठ गई करप्शन वाली, करप्शन नहीं हट सकता है। तो मैंने कहा कि मैं बताओ कि नहीं करप्शन हट सकता है, जरूर हट सकता है अगर हम डिसाइड कर लें। तो मुझे लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो करप्शन को नहीं सपोर्ट करेगी। हम लोगों ने झेल लिया, हम उस पीढ़ी से हैं जहाँ 100 रुपया एक्स्ट्रा लेकर ट्रेन की टिकट ले लिया, 10,000 किसी तरीके से जमा की टिकट ले लिया, लेकिन यह प्रदर्शन नहीं करेंगे सर। मुझे भारत के खिलाफ लोग कहते हैं कि इस देश में ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। डिमोनेटाइजेशन कोई ऑल पर्पस टैबलेट तो नहीं है ना, वो खुद एक चीज हुई। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हमको डेंगे लानी पड़ेगी। डिमोनेटाइजेशन हुआ, टैक्सेस हुआ, स्वच्छ भारत हुआ, स्किल इंडिया हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारी बनी है और बहुत सारी और बनी पड़ी बनी बाकी है। तो लोग तर्क लगाते हैं कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया लेकिन ये तो नहीं ठीक होना, ये तो नहीं ठीक होना। आपको सिरदर्द का इलाज हो गया, अब पाँव टूट गया, पाँव दर्द उसकी उसकी पट्टी अलग से होगी, हर बीमारी का अलग अलग इलाज होगा। हर चीज का जवाब डिमोनेटाइजेशन पे क्यों पूछ रहे हैं, हर चीज का जवाब आप कैशलेस से क्यों पूछ रहे हैं। ऐसे ही आज मैं मजाक कर रहा था आशीष जी हमारे सामने, मैंने कहा कि आज से मैं 7,500 रुपये निकाल पाऊंगा ना रोज बैंक से आशीष जी, तो ना 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 नहीं निकल पाएंगे। क्यों? मोदी जी ने कहा कि मैं दोनों 7,500 निकल सकता हूँ, आप कैसे बोल रहे हैं? बोले कि बैंक में होने भी तो चाहिए ना। तो हमारा विरोध कुछ इस तरह का है, शब्दों को पकड़ लेते हैं, बातों को पकड़ लेते हैं। 15 लाख बोला था उन्होंने क्यों जमा करवाएंगे, किया क्या आज तक, किया क्या, उस तरह की बात करते हैं। कोई 7,500 रुपये बोला है मैं नहीं निकाल पाऊंगा, अरे तो मेरा बैंक में बैलेंस है कि मैं कहां से निकालूंगा। और 15 लाख की नहीं है, आपको 1.5 करोड़ भी मिल सकता है, 15 करोड़ भी मिल सकता है। नरेंद्र मोदी छापे थोड़ी ना देंगे, आप ही से सिस्टम से ही पैसा आएगा और फिर वो आप में बैठेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल नोट्स में आपको मिले 15 लाख, आपको साफ सुथरा हवा मिल गई, पानी मिल गया, आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गया, आपके घर के बाहर में सड़क मिल गई, आपके घर के बाहर में बिजली का लाइट लग गया, 15 लाख क्या, 1 करोड़ से भी ज्यादा क्या है? आज हम विदेश में रहते हैं, वहां हम लोगों को यहाँ भी समझ लीजिए कि खाने की दिक्कत है, वहां भी खाने की दिक्कत है, यहाँ भी पैसे की दिक्कत है, वहां भी पैसे की दिक्कत है, फिर भी आदमी बोलता हमको विदेश में रहना है, उनको यहाँ भी 2 टाइम खाना नहीं मिलता था, वहां भी नहीं मिल रहा, सब कुछ सारी दिक्कत है। फिर भी क्योंकि वहां पे स्टेट ने बहुत कुछ अच्छा किया है, आपका घर तो छोटा ही है लेकिन घर के बाहर सड़क बहुत चौड़ी है, 18 लेन हाईवे, बत्ती जल रही है, 24 घंटा पानी है, सब कुछ है। तो वो आपको फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके बच्चे को कभी भी दवा की बीमारी नहीं होगी क्योंकि हवा साफ है, इसकी आप कीमत भी लगा सकते हैं जीवन की। आप 15 लाख रुपए को क्यों पढ़ के बैठे हैं? फिर उनकी बात 15 लाख रुपया कुछ नहीं होता, मैं आपको अगर दे दू तो क्या आप 15 लाख से अपने बच्चे को बीमार मुक्त कर पाएंगे जीवन भर? नहीं, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं अपने घर को गंदा रखता हूँ, आपके घर में मच्छर तो जाएंगे ना मेरे घर से, वो आप रोक लेंगे क्या? 15 लाख नहीं, 30 लाख देता हूं तो आप जो बिजली की व्यवस्था अगर खराब है तो आपके यहां बिजली जाएगी ना, आपको कितना भी पैसा हो क्या काम आएगा? तो इस तरह के जो तर्क लोग पेश करते हैं वो क्यों करते हैं नहीं समझ में आता। मैं सोच के आया था मैं बहुत कुछ बोलूंगा लेकिन मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ मैं सब कुछ अलग बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। भाई साहब शायद भाई साहब मुझे भूलेंगे कि आप डिमोनेटाइजेशन और कैशलेस सिस्टम पे नहीं बोल करके आप दूसरी बातों पे बोल करते हैं। मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, भावना में भर जाता हूँ, और मैं मेरा दिल हिंदुस्तान में रहता है,
अटैच हूँ देश से, पहले जब आता था तो जैसा छोड़ के जाता था वैसे मिलता था मुझे, तो तकलीफ होती थी बहुत ज्यादा। लेकिन अब आता हूँ तो सब जगह सफाई दिखती है, हाँ उस जगह से जो वैन घूम रही है कि सफाई रखिए, कूड़ा वैसा करिए, यहाँ फेंकिए वो फेंकिए, और लोग उसमें अपने आप को पार्टनर मानते हैं। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरी भाभी जी बोल रहे थे, अरे वो सफाई अपने से थोड़ी ना कर रहा, हमारा ही तो पैसा ले रहा है, हमने कितना ले रहा है, बोला रोज 10-2 रुपया ले रहा है। हमने कहा तो दिक्कत क्या, बोले कोई दिक्कत कुछ नहीं है, वो सफाई बहुत थोड़ी ना कर रहा, करवा तो हम रहे। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, आप ऐसा ही सोचे, ऐसा ही सोचते रहे कि आप सफाई करवा रहे हैं तभी देश साफ होगा, आपका 2 रुपये नहीं लगेगा ना तो आप सफाई में इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, आपका 2 रुपये जो लग रहा है ना अब आप ज्यादा जोर से मैंने आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप अपना इसको अपना घर मानते हैं, अपनी सड़क मानते हैं, अपना मोहल्ला मानते हैं, इसलिए सफाई होनी चाहिए, यही भावना आपको रखनी पड़ेगा, अपना पार्टिसिपेशन आपको वैसे ही बनाना है। अब मैं डिमार्केशन पे कैशलेस पे आ जाता हूँ, भावनाओं की बात छोड़ देता हूँ पीछे। डिमोनेटाइजेशन 1969 में अमेरिका में भी हुआ, रिचर्ड निक्सन वहां के राष्ट्रपति थे, तो वहां भी ब्लैक मनी था, वहां भी ड्रग मनी, माफिया, माफिया कंट्रोल करते, तालो इकोनॉमी जो थी वो माफिया कंट्रोल करते थे, तो उन्होंने वहां पे $100 के ऊपर के सारे नोट डिमोनेटाइज कर दिए, वहां $10,000 का भी नोट होता था वो भी डिमोनेटाइज कर दिया, सबको डिमोनेटाइज कर दिया, और बहुत मुसीबत हुई थी अमेरिका में, सारे लोग अमेरिका के अमेरिका की सरकार को गाली दे रहे थे कि इसने बिड़ा गड़ा कर दिया, हमारा जीना हराम कर दिया, कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन वो दिक्कत का दौर था, वो दिक्कत चली गई, अब लोग बोलते बहुत अच्छा हुआ, वो नहीं हुआ होता तो आज भी वो ड्रग्स में फंसे रहते, उस माफिया के चक्कर में फंसे रहते, ब्लैक इकॉनमी में फंसे रहते। हर इकॉनमी में ग्रे इकॉनमी होती है, हर जगह पैरेलल इकॉनमी होती है, हमारे यहाँ तो ज्यादा ही है, हमारे यहाँ जो कैश है वो GDP का 12% है, और जो अच्छे देश हैं वहां 3%, 4%, 5% होता है, हमारे यहाँ कैश बहुत ज्यादा है, उतनी कैश की दरकार नहीं है। स्वीडन 97% कैशलेस है, 1661 में स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस करेंसी नोट्स। मैं स्वीडन का उदाहरण इसलिए देता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेटिव लोग हुए, नई योजना, नए प्लान, नए तरीके से काम करना, सब कुछ सबसे पहले वही करते हैं, ज्यादातर सबसे ज्यादा पेटेंट्स उनके होते हैं, उनके पास और कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ह्यूमन टैलेंट बहुत बड़ा है, ह्यूमन इनोवेशन टैलेंट बहुत बड़ा है, वो रोज नए नए जीने के तरीके ढूंढते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। आप देखेंगे छोटा सा देश है लेकिन बहुत चीजों के पेटेंट्स उनके पास में है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्वीडन में बने हुए, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स है, जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से वाकिफ है उनको पता है सॉफ्टवेयर SAP, बहुत लोग जानते होंगे SAP के बारे में, वो एक जर्मन कंपनी है। अभी SAP पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, मतलब हर जगह, बैंक से लेकर के रिटेल स्टोर से लेकर के, मतलब ऑनलाइन भी यूज, मतलब ऐसा देश दुनिया का शायद ही कोई देश होगा, ऐसा शायद ही कोई बड़ा बिजनेस होगा जो SAP नहीं यूज करता है, आप कहीं भी यूज कर लीजिए उसको, उसका फायदा जर्मनी को जाता है। आप SAP खरीदेंगे आज, उसका बेनिफिट जर्मनी को मिलता है। हम लोगों को भी इंडिया में वैसे ही सोचना पड़ेगा, ये दुनिया में कहीं कुछ हो उसका फायदा आपको मिल जाए, रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे,
सोच के बाहर निकलना पड़ेगा आपको। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस कि बिजनेस शुरू में वो सेटअप करने में बहुत मेहनत करते हैं, बिजनेस का सिस्टम बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, उसको शुरू में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बाद में वो बिजनेस जो है वो ऑटो मॉडल पे रन करे, वो वैसा सोचते हैं। हमारे यहां स्थिति उल्टा है, हम बिजनेस में हम लोगों को बोलते हैं कि मैं जिस दिन दुकान में नहीं जाता हूं उस दिन बिजली खत्म हो जाती है। ये कोई शांति की बात नहीं है, यही हमारी कमजोरी है कि जिस दिन मैं दुकान में नहीं जाता हूं बिजली खत्म हो जाती है। होना तो यही चाहिए कि मैं दुकान में कभी नहीं जाऊं तो बिजली बढ़ती जाए। वेस्ट उसी मॉडल पे काम करता है, मैकडॉनल्ड उसी मॉडल पे चलता है, एसएमपी उसी मॉडल पे चलता है। हमको बिजनेस के मॉडल चेंज करने पड़ेंगे, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमको हमको टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, हमको ऐसे सिस्टम अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि बिजनेस में लीकेजेस नहीं हो, करप्शन नहीं हो, किसी भी तरह का कोई अगर चोरी करना भी चाहे तो नहीं कर पाए। अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं और हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सिर्फ इन दो चीजों को हम ले लें, अपना माइंडसेट और टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद में हमको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। कैशलेस सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, और ये एक माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना, हाँ ये कैशलेस हमको भाई कैशलेस करना है। वो सीखने में कितनी देर लगी थी आपको? 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वो भीम जो ऐप है उसको आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है, उसको थोड़ी देर छेड़छाड़ करना है, खेलना है, पढ़ना है, दूसरा दोस्तों को फोन करना, अरे भाई कैसे नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, बस उतना ही करना है। उसके बाद में वो भीम आपका दोस्त हो जाएगा। और आप सोचिए कितनी आपकी मुसीबत कम हो जाएगी। आप पहले पैसा लेके जाते थे बैंक में जमा कराने, 4 बजे बैंक बंद हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, कैशलेस ना बैंक जाना है ना बैंक आना है। स्वीडन में 60% बैंक के पास पैसा ही नहीं होता, देयर इज नो कैश, इवन बैंक्स आर कैशलेस। माने कैशलेस की जब हम बात करते हैं तो कैश होगा ही नहीं, देयर इज नो एटीएम। अरे कैशलेस में एटीएम का क्या काम है? कोई काम नहीं है ना, जब पैसा आपके पॉकेट में रखना ही नहीं है तो फिर अब एटीएम का क्या काम है? एटीएम खत्म हो गया, एटीएम को कुछ और काम में लिया जाएगा। जैसे पहले वो जगह जगह एटीएम वो फोन के बूथ होते थे, बाद में वो रिचार्ज वाले बन गए, बाद में वो बदल के मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान बन गई, चेंज होते जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज हो रहा है। दुनिया टेक्नोलॉजी पे आ गई है, प्रोडक्ट्स आर लेस इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको कैश फ्लो चाहिए, कैश यूज करने की फैसिलिटी चाहिए। उबर जो कंपनी है इसके बारे में आप सबको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी की कंपनी है, दुनिया के करीब करीब हर देश में टैक्सी चलती है, सिर्फ एक ही ऐप पे मैनेज करता है। आप अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से फिर अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में एयरपोर्ट पर बुला लीजिए उबर, आपका यहाँ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा कट जाएगा और आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, उबर में ट्रैवल कर सकते हैं। उबर एक भी गाड़ी नहीं ओन करता है, दे डोंट ओन अ सिंगल व्हीकल, इट्स ओनली एन ऐप, ऐप के जरिए पूरी दुनिया में टैक्सी चल रही है और एक भी टैक्सी नहीं उनके पास। सोचिए हम यहाँ पे बिजनेस करने की जब बात करते हैं तो हम सोचते हैं हम पहले एक गाड़ी खरीदेंगे, फिर गाड़ी खरीद करके फिर उसको पार्किंग करेंगे, फिर उसको हमारा सोचने का तरीका बड़ा ट्रेडिशनल है। हमको एयरबीएनबी कंपनी है, दुनिया के सबसे बड़ी होटल चेन है, उनके पास एक भी होटल नहीं, ऐप खाली ऐप है, मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप है, बस कुछ भी नहीं है। लर्निंग लर्निंग क्योंकि आप इतना सीख रहे हैं ना, वो देश की धरोहर है, वो जो वही
कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल वही है, उसी पे देश का विकास होगा। आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, आपकी दिमाग की रिचनेस देश की रिचनेस है। तो मुझे भी जानना है, ये अगर हम लोगों की इच्छा नहीं रहेगी कि हमको सीखना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बदलने की कोई उम्र नहीं होती है, हम सबको हम लोग किसी भी उम्र में अखिल भारतीय ग्राम पंचायत मंदसौर जिला इकाई द्वारा पधारे हुए सभी अतिथियों का हम आभार मानते हैं कि हमें जो संगठन द्वारा ये कार्यक्रम दिया गया था, 810 दिन हम लोगों को मिले थे। हमारी जो इकाई ने पूरा प्रयास किया कि हम मंदसौर के प्रत्येक जन तक पहुंच पाए, और ये जो नया आर्थिक परिदृश्य नया आयाम विषय है जिसमें हर भारत के नागरिक की जिंदगी भी बनती है, हिस्सेदारी है, इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम हर आदमी तक पहुंचे, हम सबके पास पहुंचे, उसमें सभी व्यापारी एसोसिएशन, मंडी व्यापारी, सामाजिक संस्थाएं, सभी का हमको सहयोग मिला है, सभी ने हमारे साथ जाकर जो कार्ड है उसको वितरित करवाया है, हमको उससे बल मिला है। और आज जो आप सबकी जो उपस्थिति है उसको अखिल भारतीय ग्राम पंचायत आपको साधुवाद देता है। आगे भी हम लोगों की यही अपेक्षा है, हम समाज क्षेत्र में यदि इस तरह के कोई आयोजन करते हैं, ग्राहकों के हित में संवाद का आयोजन करते हैं, तो आपकी उपस्थिति हम लोगों को ऐसे ही मिलती रहे, ताकि हम लोगों को उसमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। आप सभी ने बहुमूल्य समय दिया, उसका अखिल भारतीय ग्राम पंचायत मंदसौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है, आभार मानती है, बहुत बहुत धन्यवाद।